हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम लोग FLX4। FLX4 डीजे कंट्रोलर एक बेस्ट डीजे है जो अपने बिगनर्स के लिए, स्टार्ट के लिए भी है, और प्रो डीजेस भी इसको कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जो है मैनुअल है और टाइप सी केबल है। और ये हमारा FLX4 डीजे कंट्रोलर, तो देख सकते हो इसका मैट फिनिश है, बहुत ही अच्छा है। इसके जॉग डायल्स भी ओके है, मतलब ज़्यादा स्मूथ नहीं है बट ओके। और इसके नॉब्स वगैरह भी अच्छे हैं, अच्छे क्वालिटी के, फाइनर है तो मतलब इसका जवाब ही नहीं। पेडल भी बहुत अच्छे है और इसका पिच भी सही है, बटन्स भी हार्ड नहीं है, ओके है, सॉफ्ट है। सो ये जो है टाइप सी टू ए करके अपने पावर देने के लिए एडेप्टर से दे सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे जो है आईपैड का कनेक्ट कर रहे हो या लैपटॉप को कर रहे हो तो ये यहाँ पे टाइप सी टू ए लगाना है अपने लैपटॉप से, या तो अपने लाइटनिंग केबल टू टाइप सी रहेगा तो वह आईपैड से टच होगा, मगर यहाँ पे आपको पावर देना पड़ेगा तब जाके ये आईपैड से कनेक्ट होगा। लैपटॉप में डायरेक्टली आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और ये यहाँ पे ब्लूटूथ करके ऑप्शन है, मतलब मोनो को सिलेक्ट करोगे तो आपका ब्लूटूथ स्टार्ट होगा जो डायरेक्टली वायरलेस आपके आईपैड से या किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। और ये दो RC के वायर्स है जो मास्टर आउटपुट है, और यहाँ पे एक जैक है जो माइक के लिए है, और ये माइक का लेवल दिया हुआ है। तो इस तरह से ये सबसे बेस्ट कंट्रोलर मुझे लगता है कि DJ 400 के बाद जो आया हुआ है वो ये FLX4 डीजे है, कंट्रोलर है जिसमें सब लोग प्ले कर सकते हैं, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल या बिगिनर से बिगिनर, क्योंकि हर एक जगह पे क्लब्स में या एवरी पार्टीज में ऐसे ही गिग्स रहते हैं जो बेसिकली प्लेयर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो यही रहता है, पाइनियर का मिक्सर्स इफेक्ट्स एवरीथिंग। सो ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा डीजे है, कंट्रोलर है, और प्रोफेशनल्स लोगों के लिए। तो चलिए आपको अगले वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या क्या रहता है। तो कनेक्ट रहिए मेरे चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और टिल देन बाय।